वैभव ग्लोबल देखिए, वैभव जीबीएल 420 रुपए 90 पैसे का है आज, 3.5% की आज तो तेजी है, लेकिन फिर वही अगर लंबा समय का नजरिया है तो क्या राय बनती है वैभव ग्लोबल का? सर जी, ये डेली चार्ट्स के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट दे चुका है, 420 रुपए 90 पैसे अभी इसका करंट वैल्यू चल रहा है। यहाँ से इसको बाइंग की ही सलाह रहेगी अपने। वॉल्यूम बहुत अच्छे से जा रहे हैं, पिछले काफी दिनों से जब वो कंसोलिडेशन के फेज में था तो 3-4 दिनों से नॉनस्टॉप बाइंग विजिबल हो रही है इसमें। इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट 460 का समझ के चलिए, 408 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ये रेंज में हम लोग बाय कर सकते हैं। आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर एक 6 से 8% का मूव अपने को दिख सकता है वैभव ग्लोबल में। ठीक है, अगर सर मेरा थोड़ा व्यू थोड़ा लंबा है तो सर खरीदारी की सलाह बरकरार रहेगी यहाँ पे, क्यों तो ऑन वीकली चार्ट्स पे भी ये बहुत नीचे के ट्रेड्स दिखा रहा है। 1050 से ये स्टॉक कंटिन्यू टूटते आया हुआ है ऑन अ वीकली बेसिस, एंड इट्स अ वेरी स्टीप फॉल जिस तरीके से टूटा है वैभव ग्लोबल। अभी ज्यादा डाउन साइड नजर नहीं आ रही है सर, तो वी कैन होल्ड टिल 650 लेवल्स 700 लेवल्स तक ये आ सकता है आने वाले कुछ ठीक है, 6 से 8। इतना तो बाउंस बैक इजीली मिल सकता है, तो वो कह रहे हैं कि अगर खरीदारी करनी तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बेस बना लिया, कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, तब गिरावट और बढ़ने की उम्मीद कम है, और यहाँ से एक रिकवरी का को राइड किया जा सकता है, और उसके लेवल्स कुछ कुछ एक छोटे टारगेट बाद में फिर से रिव्यू भी कर लेंगे, तो जरूर नहीं है कि 600 650 के आसपास आप एग्जिट करें, लेकिन उस समय क्या डेटा आता है वो तब देख लेंगे, लेकिन फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी तो है, तो बने रहें या खरीदारी भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखने जैसी है, इनके वॉल्यूम जो है बहुत श्रिंक श्रिंक होते जा रहे हैं। वॉल्यूम्स जहां पे भी बाइंग नजर आ रही है वहां हर जगह वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है इसमें। तो अभी फिलहाल आज के जो 15 मिनट के जो 2 कैंडल्स दिख रहे हैं वहां पे बाइंग अच्छी खासी विजिबल हो रही है, जो कि बाइंग का वॉल्यूम का जो ट्रैक रिकॉर्ड वैभव ग्लोबल का है वो आज काफी हद तक उसने ब्रेक कर दिया है, तो वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे हैं इसमें। ये राय वैभव ग्लोबल पे। जी सर,